cricket. Sometimes it goes your way, sometimes it won't. We just need to do our process right and keep looking forward. Yes, hello, sir. अभी आप लोगों ने जो लास्ट मैच जयपुर में खेला था उसमें आपको डिफीट मिला था। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ जो लास्ट मैच खेला गया था 2019 में उसमें भी आपको डिफीट मिला था। और यहाँ पर जिस तरह से धोनी का एक क्रेज देखने को मिलता है और हर ऑडियंस में क्रेज देखने को मिलता है, तो आपकी ऑडियंस जब धोनी को चीयर करेगी और उस दौरान आप लोगों को किस तरह का मेंटलिटी प्रेशर आएगा कि आपकी ही टीम यहाँ पर अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और धोनी को चीयर किया जा रहा है? I think we all appreciate Dhoni sir 100%, but when we are playing, we will try our best and give our best and look what we can do for our side. And of course, like, everyone enjoys him and we also enjoys him. I enjoy him, and yeah, but I think we just need to play and we just need to enjoy the game. And I think when the crowds are there, they are there for both of us, I guess, and they are supporting us as well. When we were playing last game, and they were amazing to us, and I'm just looking forward to for the next game and enjoy the moment. ऑल ओवर अगर बात करें तो स्टार्ट अच्छा होने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स बहुत कम रन से डिफीट होती है लगातार इस टूर्नामेंट में, जो तीनों मैच हारे बहुत कम अंतराल में हारे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ गेम, आई गेस जस्ट वी नीड टू हिट सम गुड शॉट्स इन द एंड आई थिंक एंड इट विल बी फाइन। यशस्वी, क्या ये मुकाबला सीएसके के खिलाफ, क्योंकि दो हार आपके हिस्से में आई है, सीएसके टेबल अभी टॉप पर है, अजिंक्य रहाणे की फॉर्म काफी अच्छी है जो फॉर्मर आरआर के कैप्टन रह चुके हैं, क्या प्रेशर ज्यादा राजस्थान पे है और आपको लगता है कि क्या ये मैच जो कल का मैच है आपके होम ग्राउंड के लिए सबसे टफ मैच होगा, सबसे टफ है, इस किले को पकड़ के रख लेंगे डिफेंड करेंगे? मुझे ऐसा लगता है मैम कि हर मैच इम्पोर्टेंट है, जो भी हम खेलते हैं, जो भी मैच हमारे सामने है, हम यही कोशिश करते हैं कि हम क्या उससे सीख सकते हैं और कैसे और बेटर कर सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। तो मेरे लिए आई थिंक हर मैच इम्पोर्टेंट है जो भी हम खेलते हैं, और बस आई थिंक एंजॉय करना हमारा काम है, प्रोसेस हमारा, जो मेरा थंब रूल है हम अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा अच्छी कोशिश कर सकते हैं और जो होगा सो इट्स ओके विद द रिजल्ट। इसका फॉलोअप यही था कि क्या दो हार के बाद इससे मैंने शुरुआत की, क्या प्रेशर आपको लगता है होम टीम पर ज्यादा है इसके खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर है कोई हमें, क्योंकि हम कंटिन्यूस इस फेज से जाते हैं कि कभी अच्छा खेलते हैं, कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो नॉर्मल है, इट्स ओके, थैंक यू। एक टीम जिसमें स्पिनर्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले यूनिट, हमने देखा सीएसके बहुत ज्यादा बड़े रन स्कोर कर रहे हैं, हर टीम ज्यादा रन स्कोर कर रही है, बट उनकी पावर हिटिंग जो एक गेम है वो एक अलग तरीके से निकल के आई है इस सीजन में, तो एज अ बोलिंग यूनिट इंक्लूडिंग स्पिनर्स एंड ऑल ऑफ यू I think we also have amazing spinners which they have been playing for a long time. I think they have amazing plans during the game, and I think we all are confident to do our job and just go out there and enjoy the game. जी हमेशा पिच अलग तरीके से खेलता है, तो अभी जब तक हम उस पे उस दिन नहीं खेल रहे होते हमें पता नहीं होता कि विकेट कैसा बिहेव करेगा, बट जितना मैंने देखा है कि विकेट काफी अच्छा है, और अभी नेक्स्ट मैच का विकेट तो आई कांट टेल नाउ व्हाट How it is going to be, but
let's see what will happen at that day, and we can make ourselves ready for that game, I think. मेरे ख्याल से सिंपल ही है, जो भी है जितना कि हम जाके एंजॉय कर सकते हैं और जितना एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को जो हमारे लिए यहाँ पे हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक अच्छा अच्छा मुकाबला हो, हम अच्छी तरीके से खेलें, हम पूरा अपना 100% दें, और इन द लास्ट जैसा कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि हमें मजा आना चाहिए खेलते हुए, इंजॉय करना चाहिए गेम जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. तो आई थिंक आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड एंजॉयिंग द गेम, एंजॉयिंग द क्राउड एंड ऑफ कोर्स एंजॉयिंग द मोमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एंड फील, आई गेस.